आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती दिवस है। हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे और एकात्म मानववाद और अंत्योदय के इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती दिवस है। हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे और एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता के रूप में जो जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से एकात्म मानववाद का दर्शन देकर के पूरे विश्व को, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व को जो एक दिशा उन्होंने दी और जिस दिशा पर भारत चलते हुए आज विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, और उस एकात्म मानववाद के दर्शन को आज कहीं ना कहीं जाकर के पूरा विश्व भी स्वीकार करने लगा है कि अंततोगत्वा किसी भी विश्व और किसी भी देश की शांति यदि कहीं पर स्थापित हो सकती है तो केवल इसी मात्र दर्शन से हो सकती है। ऐसे हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य का आज जन्म जयंती दिवस है। चूँकि पार्टी का वर्तमान में महासदस्यता अभियान चल रहा है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से सदस्य बनाना प्रारंभ किया 2 सितंबर से, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और उसके बाद ये पूरा अभियान देश भर में चला। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जिस जयंती को हम वैसे भव्य स्तर पर आयोजित करते हैं, लेकिन चूंकि आज पार्टी ने ये निर्देश दिया कि प्रत्येक बूथ पर जो हमारा वर्तमान में सस्ता अभियान चल रहा है, ये सस्ता अभियान को आज विशेष रूप से हमने गति देनी थी, और जैसा पूरे राजस्थान ने लक्ष्य तय किया कि आज एक दिन के अंदर पूरे राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मिलकर के और पूरे प्रदेश में 25 लाख नए सदस्य बनाएंगे, उसी क्रम में अजमेर ज़िले की वे हमारी रचना बनी। कल हमने पूरे हमारे जो 13 मंडल, उन 13 मंडलों की बैठकें लेकर के और उस बैठकों पे हमने प्रवासी तय किया, और प्रवासी के माध्यम से आज प्रत्येक बूथ पर हमारी टोली निकली है और घर घर जाकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ की टोली ने सदस्य बनाना प्रारंभ किया, और आज एक दिन के अंदर ही एक बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इस क्रम में आज सभी प्रारंभ सुबह प्रभात से ही हमारी प्रत्येक बूथ की टोली अपने क्षेत्र में निकली है। आज हमने यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस स्थान पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की, और हमारे जो विभिन्न मोर्चे हैं उन मोर्चे की टोली को हमने यहाँ पर केवल बुलाया है, और उन यहाँ पुष्पांजलि के बाद इन विभिन्न मोर्चों को अलग अलग जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं, बाज़ार हैं, उसमें भेजने का हमने निर्णय लिया। यहाँ पर जो एकत्र आए उसमें महिला मोर्चा आज गांधी भवन से लेकर पड़ाव तक आज सस्ता अभियान को गति देंगी 4 घंटे। इसी प्रकार से हमारा एससी मोर्चा यहाँ बजरंगढ़ से प्रारंभ होकर के और स्वामी कॉम्प्लेक्स तक जितने प्रतिष्ठान हैं उन सब पर जाकर सदस्य बनाएगा। हमारा ओबीसी मोर्चा वैशाली नगर का पूरा क्षेत्र के अंदर आज ओबीसी बनाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा दरगाह बाज़ार और पन्नीग्राम चौक तक के बाज़ार को जाकर के सदस्य बनाएगा। यानी 4 घंटे प्रवासी के रूप में ये सभी मोर्चे के कार्यकर्ता भी, जो हमारे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी हमारे सदस्य बने, इसके नाते विभिन्न मोर्चों की रचना आज की है, और इसी क्रम में आज यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित करके और ये सब अपने कार्यस्थल की ओर रवाना हूँ।